हेलो दोस्तों, MRSE टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है ये HVAC से रिलेटेड है। मंथली PPM HU का कैसे करते हैं हम लोग, क्या क्या उसमें चेक करना पड़ता है, उसमें क्या क्या करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसके पहले बहुत सारा वीडियो हम ऑलरेडी ट्रबल शूट का, चिलर का और बाकी चीज़ थ्योरी प्रैक्टिकल डाल चुके हैं, कैसेट एसी का भी, वाटर लीक का, स्प्लिट का, लेकिन आज का जो वीडियो है वो HU से रिलेटेड है। तो HU के बारे में हम आपको PPM कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो HU का जहाँ से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आया रहेगा पैनल के पास, तो पैनल के पास हम यहाँ पर देखेंगे हमको जोन से HU बंद करना है। दो तीन HU यहाँ पे, बहुत सारे HU है, तो हमें HU नंबर हमको 9 मान लीजिए बंद करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, सिलेक्टर देख रहे हैं, ये ऑटो मोड में चल रहा है, ये BMS से कंट्रोल है, हैंड में भी चला सकते हैं। तो ये हम इसको अभी ऑफ करना होगा, तो बस बेसिकली बस इसको ऑफ करेंगे नॉर्मल हम, ठीक है। ये ऑफ पोजीशन में हो गया, पहले ग्रीन जल रहा था, अभी ऑफ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम, ये हमारा HU है, तो HU का अब हम चेक करेंगे, इधर मोटर एरिया में चेक करेंगे मोटर कैसा है, क्या है, बेल्ट वगैरह सब चेक करेंगे। फिर उसके बाद इसका फिल्टर, मंथली PPM में कंपलसरी फिल्टर हमको क्या कहते हैं सर्विस करना पड़ता है, ओके। तो सबसे पहले अभी हम फिल्टर इसका देख लेते हैं और इधर में मोटर एरिया चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास खोलने के लिए, तो इसका लॉक को खोल लेते हैं, ओके, ओपन पोजीशन में हो गया। फिर इसको भी हम खोल लेते हैं, फिर उसके बाद ये खुला हुआ है, ये हम देखेंगे। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इसका मोटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हीटर लगाया हुआ है, उसके पीछे कूलिंग कॉइल है, ओके। और ये अपना मोटर का पूरा डिटेल्स देखिए इस पे रहेगा, कितना किलोवाट का है, तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ब्लोअर में आपको ये देख लेना है बेल्ट, तो इसमें हम बेल्ट देख लेते हैं कि बेल्ट कहीं कट तो नहीं है ना। तो बेल्ट मेरा फिलहाल अच्छा है, बेल्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो बेल्ट को आप इस तरह से स्लाइड करके एक एक करके आप चेक कर लें, देख लें के लिए। और दूसरी बात कि बेल्ट हमारा जो है इसका कितना ये ढीला होना चाहिए, कितना टाइट होना चाहिए, कम से कम हमारा 1 इंची जो है ना वो बेल्ट हमारा दबना चाहिए। 1 इंची जो है हमारा बेल्ट दबेगा तब जा करके हमारा मोटर फ्री घूमेगा। अगर ज्यादा टाइट रखेंगे तो मोटर पे लोड पड़ता है, वो भी दिक्कत है। तो हम आज आपको इसको चेंज कैसे करते हैं बेल्ट को और कैसे लगाते हैं वो आपको बताएंगे। तो आपके पास सबसे पहले एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर आप रखिए बड़ा सा, और क्या करना है तो हमें क्या इसको, ये देखिए ये बेल्ट को जो है, ये दो बेल्ट है हमारे पास, तो दो बेल्ट, ये बेल्ट को हमको इस साइड निकालने का है, समझ गए। इसको इस साइड नहीं निकालने का, इसको यहाँ पर फ्लैट अंदर यहाँ पर डालेंगे इसका रोटर के एरिया में, और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हम ये एक बेल्ट को निकाल दिए। दूसरा बेल्ट है, दूसरा बेल्ट को हम इस साइड निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों इस तरह से निकल गया। अभी मान लीजिए हम इसको पूरा बेल्ट को बाहर निकाल देते हैं, ये पूरा बाहर निकाल दिए। अब जब हमको बेल्ट को डालना है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ इधर में डालेंगे, ठीक है। ये वाले को अंदर से ही चागाने का है, बाहर से चागाएंगे इस साइड से। मान लीजिए आप ये रोटर में लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, और ये यहाँ से लगा करके और इस तरह से चागाएंगे तो बहुत दिक्कत होएगा, वो नहीं बनेगा। तो इसको इधर में ही रहने दीजिए। और सेकेंड जो हमारा बेल्ट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर लगाएंगे, पीछे नीचे छोटा वाला जो रोटर है इसमें बैठा लिए, ग्रिप में बैठा लेंगे, ओके। अब उसके बाद हम इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ना इसको इस जरिए से, इस साइड से ही, मतलब फर्स्ट वाले में इसको हम इस तरह से लगा करके इसे घुमाएंगे, ये हमारा एक बैठ गया, ठीक है, ये रोटर का फर्स्ट वाला लाइन में। अब सेकंड हमको बेल्ट अगर चेंज करना है तो सबसे पहले छोटा वाले रोटर में हम बैठाएंगे, बैठा दिए। अब उसके बाद ये वाले को ये बाहर साइड से हम यहाँ पर ग्रिप लगाएंगे, एक मिनट, ये लगाने के बाद यहाँ पर हम ग्रिप लगाएंगे बाहर साइड में, और उसके बाद यहाँ से ऐसे इसको प्रेस करेंगे, इधर निकल जा रहा है बैक साइड में, क्यों थोड़ा टाइट रहता है ये बेल्ट इसलिए जो है निकल जाता है। तो इसको हम यहाँ पर बैठा करके थोड़ा टाइट ही पकड़े रहने का
और उसके बाद हम इसको ये करें प्रेस। तो ये देखिए हमारा दोनों बेल्ट जो है इजिली लग गया। तो इस तरह से आप बेल्ट को निकाल के और दूसरा बेल्ट चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। अगर ब्लोअर गंदा है तो ब्लोअर को भी साफ करें, इधर में मोटर तरफ में आप थोड़ा कपड़ा वगैरह मार दें। ओके, अब उसके बाद हम फिल्टर एरिया में जाएंगे। ये भी हमको देख लेना है कि इधर में इसका ट्रे में कहीं कचरा तो नहीं है, उसके बाद वो ब्लॉक जाम तो नहीं है ना, वो भी हमको देख लेना होगा। तो अभी ये हमारा सब क्लीन है इधर, क्यों बराबर मंथली पीपीएम होते रहता है तो बहुत कम ही गंदा मिलता है आपको। तो फिल्टर हम देख लेते हैं। तो ये हमारा फिल्टर यहाँ पे है, तो फिल्टर का यहाँ पे लॉक है। ओके, ये देख लेते हैं। तो ये निकालने के लिए हम इजी इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सभी फिल्टर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इसको आप एक एक करके फिल्टर को निकाल सकते हैं। तो फिल्टर हमारा एक देखा जाए तो गंदा हो गया है, सर्विस का टाइम है तो मंथली पीपीएम में हम कर लेते हैं इसको। तो अभी क्या है कि सभी फिल्टर निकालने के लिए अंदर तक तो आपका हाथ जाएगा नहीं, तो सभी एरिया में देखिए पट्टी रहेगा। तो ये आप पट्टी को पकड़ करके यहाँ पे इसके चल इससे आप खींच करके आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आ गया। तो इस तरह से आप सबको एक एक करके सबको निकाल लें, फिर बाद में एचयू को फिल्टर को आप क्लीन करके बाद में इसके अंदर डालें। फिर तो बेसिकली हमको इसमें क्या है कि चेक करना रहता है कि अपना मोटर का एम्स चेक करना है कितना क्या ले रहा है। फिर उसके बाद आप ये मंथली पीपीएम में आ जाएगा, ब्लोअर कैसा है, डस्ट है, क्या है, उस तरह से आपका पीपीएम शेड्यूल जो मिलेगा उसमें लिखा रहेगा। फिर उसके बाद आपको पानी लाइन का टेम्परेचर देखना है कि कितना इन कर रहा है, फिर कितना आउट कर रहा है। फिर प्रेशर आपको देखना है कि प्रेशर हमारा कितना इन आउट कर रहा है। फिर उसके बाद हमारा जो एक्चुएटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अच्छा से, ये जो हमारा लगा हुआ है चिल्ड वाटर लाइन में, तो ये चीज़ आपको ऐसा ऐसा चेक करना है। फिर ड्रेन लाइन का एरिया चेक करना है कि वो क्लीन है कि नहीं। अगर इसके अंदर कहीं लैंप लगा हुआ है तो लैंप को भी हम लोग को चेक करना पड़ता है। तो इसके अंदर लैंप नहीं है तो कहीं कहीं आपको लैंप मिलेगा तो लैंप आपको देखने का। फिर आपका अगर मान लीजिए ये बेल्ट अगर किसी तरह से कुछ कट हो गया है या पुराना हो गया है तो आपको उसको रिप्लेस करने का। और इसके अंदर आपको अगर बैरिंग में अगर ग्रीस नहीं है कुछ भी उसके अंदर, अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया तो आप इसके अंदर आपको ग्रीस भी इसको डालने का थोड़ा, तो उसके लिए जो है मोटर आपका इजी मूव करेगा और जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगा बैरिंग का। तो बस यही सब, इतना सब कुछ था आपको, ये चीज़ करना है, फिल्टर क्लीन करके डाल देना है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, किसी दूसरा टॉपिक पे आपको बात करेंगे। तो ये एक छोटा है न्यू लोग के लिए है जो फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आ रहे हैं चाहे नहीं आए हैं डायरेक्ट इंटरव्यू दे करके जॉब करने के लिए सोच रहे जाने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है किस तरह से वर्क करना है, क्या क्या पीपीएम में क्या क्या करना पड़ता है एचयू का। तो सबका पीपीएम में अलग अलग उसमें इक्विपमेंट का वर्क करना पड़ता है, जैसे एचयू का जो हम बताएं ये चीज़ आपको करना है। फिर उसके बाद दूसरा यूनिट है कोई तो पंप का है तो पंप का अलग है। तो सबका पीपीएम का आपका शेड्यूल मिलेगा, उसमें डिटेल्स लिखा रहेगा, तो आप उस हिसाब से एक एक करके आप चेक कर लेंगे।